ये स्टूडेंट हम एक्सरसाइज आज 15.1 का क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट क्या है वो आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास में, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली। एक बैग के अंदर कैसे कैंडी है बेटा, लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इन टू द बैग, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक आउट। पहले में आपको निकालनी है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, पहले ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालनी है। दूसरा लेमन फ्लेवर कैंडी। अब आप देख रहे हो उस बैग के अंदर कैसी कैंडी है, लेमन फ्लेवर कैंडी, और निकाली गई कौन सी है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो इसमें ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो है नहीं, तो इसका मतलब इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इसका सॉल्यूशन करता हूं, इसका सॉल्यूशन पार्ट वन, बैग डज नॉट कंटेन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। बैग does not contain an orange flavor candy, does not contain orange flavor flavored candy, it is impossible event, ये impossible event है, therefore probability of इसकी orange flavor candy, therefore probability is equal to zero, इसकी probability zero। दूसरा है a lemon flavor candy, lemon flavor candy का मतलब The bag contain all lemon flavor candy. The bag contain all कौन सी lemon flavor candy? Lemon flavor candy. Therefore, it is sure event. Probability of an event is equal to कितनी हो जाएगी, वन आ जाएगी। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन। अब यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या थी यहां पर, जीरो। इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो और देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका मतलब नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, इसका सॉल्यूशन आएगा इसमें नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट हैविंग नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, Not having same birthday कितनी हो जाएगी यहां पर दे रखी है 0.992। अब आपको कौन से निकालनी है, having the same birthday, probability of the student having same birthday, सेम बर्थडे, टोटल इसका जो सम है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट एन इवेंट वन होता है, वन में से 0.992 क्या कर दो, माइनस कर दो। अब वन में से 1.00 इसमें माइनस करेंगे 0.992, 10 में 2 गए 8, यहां 0, यहां 0,
0.008 आ गया, 0.008, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट एन इवेंट इसके बराबर होता है, वन के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8 है। ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल, एक बैग के अंदर बेटा कितनी बॉल है, रेड बॉल कितनी है, 3 रेड बॉल, रेड बॉल 3, और दूसरे टाइप की है 5 ब्लैक बॉल, और 5 इसके अंदर कैसी बॉल है, ब्लैक बॉल। तो आपको करना क्या है वो देखिए आप इसके अंदर। ए बॉल इज डोन एट द रेंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रोन इज रेड। पहले हमें रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दूसरा नॉट रेड। तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या, इसके अंदर नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल 3, नंबर ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू 3। उसके बाद में ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल है 5, टोटल बॉल्स प्लस कर दो 3 + 5 इज इक्वल टू 8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला अप्लाई करो, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पहला पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। अब रेड बॉल कितनी आपके पास में 3 है, टोटल बॉल कितनी है 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। सेकेंड पार्ट में निकालना है नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी नॉट रेड कितनी, रेड नहीं है अपने पास में, 5 अलग कलर की हैं, तो 5/8 हो गया। ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 8 हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 है। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल, 4 ग्रीन मार्बल, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट द रेंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, दूसरे में व्हाइट नॉट ग्रीन। तो ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल ऐसे हो जाएगा बेटा जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे रेड मार्बल, बॉल की जगह मार्बल है, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने मार्बल हैं, 5 रेड मार्बल। दूसरा है व्हाइट मार्बल, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल कितने इसके पास में, 8, और नंबर ऑफ तीसरा जो कलर है वो ग्रीन मार्बल का है, ग्रीन मार्बल है अपने पास में 4 ग्रीन मार्बल। टोटल मार्बल्स 5 + 8 + 4 = 8 + 4 = 12 + 5 = 17 टोटल मार्बल हो गए बेटा। अब इसके अंदर आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कौन से की निकालनी है, अब हमें फाइंड आउट करनी है इसके अंदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड मार्बल। फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल की क्या होगी, रेड मार्बल कितने अपने पास में, 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स, रेड मार्बल कितने बेटा यहां पर 5, ये नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट डिवाइड बाई
टोटल मार्बल कितने हैं 70। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी निकालनी है, व्हाइट मार्बल की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स। व्हाइट मार्बल कितने, 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 8/7, 70। तीसरा आपको निकालनी है नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन। अब ग्रीन कौन से नहीं, मतलब नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन को छोड़ दो, 4 ग्रीन है, बाकी कोई भी हम मार्बल निकाल सकते हैं। तो 8 × 5, 8 × 5, 13 यानी कि 13 अपॉन में कितना हो जाएगा 70, क्योंकि अपने पास ये दो टाइप है मार्बल की, 8 और 5 कितने 13 है ना, दीज आर नॉट कैसे नहीं है, ये ग्रीन नहीं है, तो इनको ऐड करके इससे डिवाइड कर दो 17 से। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 9 हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ए पिगी बैंक कंटेन नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, कितने 100 50 पैसे कॉइन, 50 रुपी 1 कॉइन, 20 रुपी 2 कॉइन एंड 10 रुपीज 5 कॉइन। If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that coin will be 50 paise coin, will not be rupees 5 coin? तो इसमें भी हम क्या करेंगे, number of coins लिखते हैं पहले। तो number of coins के अंदर कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के coins हैं, वो हम देखते हैं यहां पर। Question number ये है 10, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइंस कितने हैं 100, नंबर ऑफ 50 पैसे के बाद में रुपी वन कॉइंस, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 50 सिक्के हैं, उसके बाद में 20 रुपीज 2 कॉइन, नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइंस, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं 20, नंबर ऑफ रुपी किस तरह के 10 रुपीज 5 कॉइन, 10। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइंस 100 + 50 + 20 + 10 ये हो गया आपका 180। तो टोटल कॉइन हो गए 180। अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है आपको, विल बी 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे की सिक्के की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 50 पैसे कॉइंस। अब यहां पर 50 पैसे की क्वाइन कितनी 100 और टोटल क्वाइन कितने 180, डिवाइड कर दिया 100 / 180, 0 0 कट गया, 2 5 = 10, 2 9 = 18, तो 5/9 आ गया। सेकंड पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, विल नॉट बी रुपीज 5 कॉइन, नॉट बी रुपीज 5 कॉइन, मतलब 5 रुपए के सिक्के नहीं होने चाहिए, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं 10, 10 सिक्के छोड़ दो, बाकी कोई भी क्वाइन हो सकता है। ये हो गया 170, कितने हो गए 170/180, 0 से 0 घट गया, 17/80 ये आंसर। अगर आपको 2 रुपए की जो क्वाइंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 20/180 हो जाएगा, और 1 रुपए की क्वाइंस की निकालनी है 50/180, रुपीज 5 की क्वाइन निकालनी है तो 10/180 आ गया। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर आपका है 11। गोपी बाय ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक आउट 1 फिश एट द रेंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 male fish 8 female fish, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट एज मेल फिश। तो आपको इसमें भी मेल फिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 11, तो नंबर ऑफ मेल फिश, तो इसके अंदर यही कर देते हैं बेटा, नंबर ऑफ सबसे पहले
मेल पीस, और दो तरह के पीस है, मेल और फीमेल। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 11 आता है, नंबर ऑफ मेल पीस, 5 मेल पीस है, नंबर ऑफ मेल पीस, मेल पीस इसके अंदर कितनी है 5, नंबर ऑफ फीमेल पीस, फीमेल पीस कितने इसके अंदर 8, टोटल नंबर ऑफ पीस, टोटल नंबर ऑफ पीस 5 + 8 कितना हो गया 30। अब बेटा हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है टेकन आउट द मेल पीस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल मेल पीस। अब आप मेल पीस देखेंगे कितने हैं, मेल पीस इसमें 5, तो 5/30। फॉर्मूला लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अगर फीमेल की पूछी जाती तो 8/13 हो जाता। ये क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 11 हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 12, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल पॉइंट एट ए एट ओड नंबर, ए नंबर ग्रेटर देन 2, ए नंबर लेस देन 9। इनकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपके पास कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपके पास 8 आ जाएंगे, क्योंकि इस तरह से आपके पास में है पॉइंटर ऐसे आएगी, ऐसे इसको डिवाइड किया गया है यहां पर, ये जैसे ये पॉइंट, ये 1 डाला गया इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये पॉइंटर है, ये कहां स्टे करेगा, जहां पर स्टे करेगा, जिस नंबर का आपसे पूछा गया है 5 पर स्टे करता है, 7, 8, 9 किस पर स्टे करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट कर। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए इस क्वेश्चन नंबर 12 में, नंबर 1 से लेकर के 8 तक है, 1 to 8, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स ये हो गए 8, कौन कौन से नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये नंबर है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का जो फॉर्मूला है ये है बेटा, नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो इवेंट यहां पर पहले पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, 8 की निकालनी है। अब 8 देखो बेटा, इसमें 1 ही नंबर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 आ गई। सेकंड पार्ट में निकालनी है ओड नंबर की, एन ओड नंबर, ओड नंबर कौन कौन से इसमें ओड नंबर है आपके पास, ओड नंबर लिख देता हूं पहले, ओड नंबर, ओड नंबर है 1, 3, 5 और 7, यानी कि 4 नंबर है, यानी कि अपने पास में 4 नंबर हो गए। प्रोबेबिलिटी किसकी ओड नंबर की निकालनी है, ओड नंबर 4/ कितनी हो जाएगी 8, यानी कि 1/2 आ गई। उसके बाद में थर्ड पार्ट में एन ओड नंबर होगा, ए नंबर ग्रेटर देन 2, ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर देखिए कौन कौन से हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये नंबर है। तो कितने नंबर हो गए, नंबर ग्रेटर देन 2 आपके पास प्रोबेबिलिटी, नंबर ग्रेटर देन 2 कितने नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह नंबर है ये, तो 6/ कितनी होगी 8, 3/4 यानी कि फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए, तो 6/8 यानी कि 3/4 आ जाएगा। उसके बाद में आपको निकालनी है ए नंबर लेस देन 9,
ए नंबर लेस देन 9, सारे के सारे नंबर आएंगे, 8 नंबर है, ए नंबर लेस देन 9, 8, कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 9 की, नंबर लेस देन 9, श्योर इवेंट होगी इसकी प्रोबेबिलिटी 8 बाई 8, इसका आंसर 1 आ जाएगा। बेटे समझ में आ गया, ओड नंबर अपने पास 4 थे, ओड नंबर कितने हैं 4, कौन कौन से, 1, 3, 5 और 7, ऐसे ही ए नंबर ग्रेटर देन 2, कितने नंबर है, 6 नंबर है, 6 नंबर, कौन कौन से हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये ब्रैकेट में लिख दिया हमने, नंबर ग्रेटर देन 2, 6 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ऐसे हमने इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो डाई से रिलेटेड है। ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इन नंबर लेइंग बिटवीन 2 एंड 6 एन ओड नंबर। जब आप एक डाई को थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं, व्हेन ए डाई इज थ्रोन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 होंगे, क्योंकि पहले फेस पर 1, दूसरे पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 13, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 6, कौन कौन से डाइस के ऊपर जो नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर ये होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। पहला है ए प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर कितने नंबर है, प्राइम नंबर 1, प्राइम नंबर होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर हो, 2, 3 और 5, ये 3 नंबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी प्राइम नंबर की, इसकी प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर 3/6, क्या आंसर आ गया 1/2। ऐसे 6 सेकंड पार्ट है, ए नंबर लेइंग बिटवीन 2 एंड 6, ए नंबर लेइंग बिटवीन 2 एंड 6, कौन कौन से नंबर है 2 और 6 के बीच में, 3, 4 और 5, कितने नंबर हो गए 3 नंबर हो गए, ये 3 नंबर है इसके बीच में, कौन कौन से 3, 4 और 5, प्रोबेबिलिटी नंबर बिटवीन 2 एंड 6 3/6 1/2, आउटकम फेवरेबल आउटकम 3, टोटल पॉसिबल आउटकम 6। थर्ड पार्ट, एन ओड नंबर क्या निकालना है, एन ओड नंबर, ओड नंबर भी इसके अंदर 3 है, कौन कौन से हैं, 1 ओड नंबर है, 3 भी ओड नंबर है और 5 भी ओड नंबर है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी ओड नंबर की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर क्या आ जाएगी 3/6, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई इसकी 1/2। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 13। अब आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है बेटा, आपके पास वन कार्ड इज ड्रोन फ्रॉम द वेल शफल्ड ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर, ए पीस कार्ड, ए रेड पीस कार्ड, द जैक ऑफ हार्ट, स्पीड, क्वीन ऑफ डायमंड। तो इसमें क्या है बेटा, सबसे पहले आपको कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ जो कार्ड्स हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स, तो वो आपको अगर पता है कि कौन से टाइप्स, कौन से सूट होते हैं, इसमें कितनी कार्ड्स होती हैं, यू कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी कार्ड। तो बेटा आज हम यहां तक करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तक, और बाकी हम जो है नेक्स्ट कल करते हैं। थैंक यू।